माइक शॉट करो भाई। आचार्य मुनित्री सुरत सागर जी महाराज, आचार्य मुनित्री सुनील सागर जी महाराज, आचार्य मुनित्री अनेकांत सागर जी महाराज, आचार्य मुनित्री अजमीर जी महाराज, आचार्य मुनित्री शशांक सागर जी महाराज, मंचासी सभी मुनिजन एवं आरिगाओं को नमन करता हूँ और जो समाज के प्रमुख लोग मंच पर उपस्थित हैं उनके नाम का भी यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री चक्रेश जी जैन, श्री अरुण कुमार जैन, श्री सतीश बाबू जी जैन, श्री नीरज जी जैन, श्री पुनीत जी जैन, श्री जितेंद्र जैन, श्री शेखर जैन और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, हम सभी यहाँ पर भगवान महावीर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। भगवान महावीर जिन्हें जैन समाज में 24वें और अंतिम तीर्थंकर की मान्यता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक चेतना के बहुत प्रेरणा पुंज है। 2500 से अधिक वर्ष पहले संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने शांति, सौहार्द और भाईचारे और अहिंसा का जो संदेश दिया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय प्रासंगिक हुआ करता है। उनकी प्रेरणा से ही जैन समाज अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और अपरिग्रह का पंच महाव्रत यह धारण करता है। मैं मानता हूं कि यह पंच महाव्रत केवल जैन समाज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हर मनुष्य के जीवन में यह पंच प्राण होना ही चाहिए, ऐसी हमारी यह मान्यता। जब वैदिक कालीन भारतीय समाज कुरीतियों और रूढ़िवादिता का शिकार हो गया था तो भगवान महावीर ने समाज को न केवल उस जड़ता से उबारने का काम किया था, बाहर निकालने का मार्ग प्रदर्शित किया था, बल्कि सनातन धर्म को एक नया सरल और सहज रूप भी प्रदान किया था हमारे भगवान महावीर ने। साथियों, जब भी कोई महापुरुष धरती पर अवतरित होता है तो वह समाज को कोई नई दिशा देता है मगर साथ ही साथ उन्हीं मूल्यों से पुनः प्रतिस्थापित करता है जिनकी उस समाज में उपेक्षा हो रही थी। भगवान महावीर ने भी प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों को पुनः समाज में स्थापित करने का काम किया है। हमारा देश ऋषियों, संतों और मुनियों की परंपरा वाला यह देश है। शताब्दियों तक मिलने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की मुनि परंपरा आज भी अटूट है, कि हमें विश्वास के साथ कह सकता है। हमारा जैन समाज इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देवियों व सज्जनों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि मुनिवर ने भी अभी अपने उद्बोधन में कहा है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चिंता की लकीरें हम सबकी बढ़ाता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका इस बात की है कि नाटो और रूस में टकराव होने के संघर्ष का स्वरूप कैसा होगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने कितनी हिंसा होगी इस संबंध में भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अर्थात सारा विश्व हिंसा के विचार के कारण एक संघर्ष में संलग्न है और जब हम हिंसा की बात करते हैं तो सिर्फ प्रत्यक्ष हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। देवियों व सज्जनों, आज व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से घृणा, ईर्ष्या, गला काट, प्रतिस्पर्धा, मनोवैज्ञानिक हिंसा की मानसिकता को भी निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। मैं इस समय देश का रक्षा मंत्री हूं, पूर्व में गृहमंत्री रहा हूं, तो मैं युद्ध और आतंकवाद दोनों की संभावनाओं को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। आतंकवाद हिंसा की एक विकट मानसिकता है जो निरपराध लोगों की हत्या करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव करती है। देवियों व सज्जनों, निरपराध लोगों को मारना यह वीरता नहीं होती
अपने लोगों की रक्षा करते हुए संघर्ष करना और वीर गति को प्राप्त होना, यही वीरता होती है। जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे वह वीर कहलाता है, परंतु जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे वह महावीर कहलाता है। यह हमारे यहां की मान्यता है, क्योंकि जो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके वह वीर, और जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सके उसे भी हमारे यहां महावीर कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म यह शिक्षा देता है कि बाहर की विजय से पहले और उससे कहीं ज्यादा बड़ी अंदर की विजय हुआ करती है। अर्थात जब व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सर्वत्र हिंसा का वातावरण हो, तो समाधान देने की क्षमता उसी विचारधारा में होती है जो आमूल चूल और समग्र रूप से हिंसा के विचार को नकारती हो अथवा हिंसा के विचार को परित्याग करती हो। यह विचार जैन धर्म में अपनी पराकाष्ठा में दिखाई पड़ता है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि जैन धर्म जितना प्राचीन है उतना ही आज के संदर्भों में भी प्रासंगिक है। यह जैन धर्म इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर आज विश्व में सभ्यताओं के स्तर पर पूरी की पूरी सभ्यता दूसरी सभ्यता को हिंसा के आधार पर नष्ट करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही है। शायद इसे सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक सैमुअल हटिंगटन ने अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संपूर्ण विश्व सभ्यताओं के हिंसात्मक संघर्ष की तरफ यह बढ़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि चतुर्विध हिंसा के इस वातावरण में क्या सुख और शांति का कोई आधार खोजा जा सकता है? निश्चित रूप से यह आधार सदा सर्वदा से विश्व को शांति का सनातन संदेश देने वाली भारत भूमि में ही मिल सकता है, दुनिया के अन्य किसी भूमि में नहीं मिल सकता। भारत भूमि में भी इसका समाधान केवल वही विचारधारा दे सकती है जो हिंसा के विचार को अपने मूलतम और सूक्ष्मतम रूप से पूर्णतः नकारती है। अहिंसा जिसका ध्येय भी हो और अहिंसा जिसका लक्ष्य भी हो, अहिंसा जिसका पथ भी हो और अहिंसा जिसका पाथेय भी हो, यह विचारधारा सिर्फ भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य रत्न जैन धर्म के पास है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जैन धर्म में भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व में, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि विश्व के संपूर्ण इतिहास में अहिंसात्मक जीवन पद्धति की पराकाष्ठा है। देवी और सज्जनों, भारतीय संस्कृति की महान विशेषताओं में सत्य और अहिंसा यह सबसे ऊपर है। अहिंसा के माध्यम से समाज में चेतना का संचार करना भारतीय संस्कृति का यह प्रमुख लक्ष्य रहा है, यह प्रमुख हेतु रहा है। महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत के इस संदेश की प्रतिध्वनि सारे विश्व में सुनाई पड़ती है। परंतु इस अहिंसात्मक पद्धति का महानतम स्वरूप यदि किसी मत में दिखाई पड़ता है तो वह केवल और केवल वह जैन धर्म है जिसमें यह दिखाई पड़ता है। एक छोटे से कीड़े के प्राणों की चिंता करना जमीन पर रहने वाले अदृश्य जैसे कीड़ों को भी पैर के नीचे आने से बचाना यह जैन धर्म का एक अद्भुत आदर्श है जो भारतीय संस्कृति के वेदों में उल्लेखित उद्घोष आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति च पंडितः, अर्थात जो इस जगत के सभी जीव जंतुओं को अपने समान समझे वही वास्तविक ज्ञानी है, इसका उल्लेख वेदों में है, पर इसे अपनी पराकाष्ठा पर चरितार्थ करके दिखाया है तो केवल जैन धर्म ने इसे चरितार्थ कर दिया। जैन धर्म के इस महान योगदान के लिए भारतीय संस्कृति सदैव ऋणी रहेगी। आज यूक्रेन युद्ध में कई प्रकार के खतरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आज मनुष्य ने अपने आणविक हथियार बना रखे हैं, एक नहीं बल्कि कई बार दुनिया जिससे नष्ट की जा सकती है। ऐसे समय में ऐसा धर्म जो एक मच्छर मुंह में ना आ जाए इसके लिए मुंह पर कपड़ा रखने का भी आदेश देता हो, जिसके संत और साधु तक ध्यान रखते हों कि पैर के नीचे कोई कीड़ा तक ना आ जाए, तो ऐसा धर्म और दर्शन इस चतुर्विध हिंसा को अंधकार में एक जीवन की
ज्योति के समान है। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति में महत्ता सिर्फ धार्मिक व सांस्कृतिक पक्ष पर ही नहीं है, वरन राष्ट्रीय एकता के परिदृश्य में भी जैन धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। यही मैं इसे कहूं कि अभूतपूर्व योगदान है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। भारत के सुप्रसिद्ध लिखित इतिहास जिसे पश्चिमी विद्वानों ने भी मान्यता प्रदान की है उसके अनुसार भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित स्वरूप सर्वप्रथम आज से लगभग 2400 वर्ष पहले चाणक्य के दिशा निर्देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित किया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में आस्था रखते थे, उनका राज्याभिषेक भी जैन परंपरा के अनुसार ही हुआ था और उन्होंने राजपाट को त्यागने के बाद जब संन्यास आश्रम में प्रवेश किया तो वे जैन श्रमण बनकर कर्नाटक के त्रणबेलगोला में जाकर अपने जीवन के अंतिम दिनों को व्यतीत करने का काम किया था। अक्सर हमारी पार्टी के बारे में अल्पसंख्यकों को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समाज में सर्वाधिक शिक्षा और समृद्धि जैन समाज के पास है, जिनकी संख्या 1% के आसपास है कुल जनसंख्या। यानी 1% का समाज देश में अग्रणी भूमिका निभा सकता है तो किसी दूसरे समुदाय को भी शिकायत करने के बजाय प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए। वैसे देवियों और सज्जनों में जैन धर्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं अध्येता नहीं है, परंतु जो भी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसके अनुसार जैन दर्शन में यह धारणा है कि संपूर्ण प्रकृति एक मूल कण से बनी है। अब तो वैज्ञानिक यही मान्यता देते हैं एक मूल कण से बनी है और वही भिन्न भिन्न रूप में संसार के सभी वस्तुओं और उत्पादन का निर्माण करता है। कण से कण मिलकर ही यह पूरी सृष्टि बनी है। उस मूल कण को आप सभी जानते होंगे क्या कहते हैं, उस मूल कण को ही पुद्गल कहा जाता है। अब आप जिस संयोग सुखद संयोग ही कहेंगे कि हाल ही के वर्षों में विज्ञान की सबसे बड़ी जो खोज हुई है वह 2012 में यूरोप की एक स्वर्ण लेबोरेटरी है। स्वर्ण लेबोरेटरी में प्रकृति के मूल कण हिग्स बोसोन जिसे आम भाषा में गॉड पार्ट के लिए ईश्वरी कण कहा गया है। क्या गॉड पार्टी की अवधारणा में उद्गल की अवधारणा का प्रमाण नहीं दिखता है? जिस गॉड पार्टिकल की खोज की है 2012 में जिसकी सन लेबोरेटरी में की गई है वह वही कण है जिसे हम पुद्गल कहकर पुकारते हैं। यह जैन धर्म की शिक्षा की संख्या नहीं परिमाण नहीं बल्कि ऊंचाई और महानता का भी एक प्रमाण है। आज जब सारा विश्व मांसाहार छोड़कर शाकाहार की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और विश्व के कई बड़े संस्थान शाकाहार को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि विश्व के सबसे प्रखर और प्रबल और संपूर्ण शाकाहारी जैन समाज की एक प्रकार से यह नैतिक विजय का प्रतीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वेक्षण में आया था जिसने भारत में भिन्न भिन्न समाजों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया। उसके अनुसार भारत में जैन समाज सर्वाधिक शिक्षित समाज है, यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी। मैं तो यह मानता हूं जैन समाज सिर्फ शिक्षित ही नहीं है बल्कि उसके पास वे शिक्षाएं हैं जिनसे सारे समाज को आज शिक्षित होने की आवश्यकता भी है। वह इस बात का प्रमाण है कि कोई समुदाय संख्या बल में यदि कम भी हो तो भी वह गुणवत्ता के आधार पर समाज में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है। वह काम यदि कोई एक समाज कर रहा है तो उसका नाम है जैन समाज। देवियों और सज्जनों, कुछ लोग यह कहते हैं कि जैन धर्म बहुत कठोर नियमों वाला बहुत कठोर धर्मों वाला यह मत है, अतः यह काफी हद तक अव्यवहारिक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में कठिन से कठिन तपस्या करते हुए इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन किया जा सकता है,
यह जैन मुनि और जैन संतों को देखकर अनुभव किया जा सकता है। आज बहुत से लोग यह प्रयास करते हैं कि जैन धर्म को हिंदू धर्म से पृथक स्वरूप प्रदान किया जाए। वह हिंदू संस्कृति जिसमें अहिंसा का विचार सर्वप्रथम संसार के सामने रखा और उस विचार को अपनी चरम सीमा तक जिस जैन धर्म ने पहुंचाया, उस जैन धर्म को हिंदू संस्कृति से पृथक करने का प्रयास वैसा ही है जैसा किसी विषय के एक क्षेत्र विशेष में सर्वोच्च डिग्री बीली की या पीएचडी हासिल करने के बाद यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाए कि इस व्यक्ति का उस मूल विषय से कोई मतलब नहीं, अथवा वह पीएचडी मूल विषय से पृथक है, तो यह बात पूरी तरह से हास्यास्पद लगती है। उसी प्रकार यदि हिंदू संस्कृति एक विषय है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जैन धर्म उसकी अहिंसात्मक क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर जन्म से पूर्व माता त्रिशला को स्वप्न में एक बालक दिखा था और जन्म के साथ भगवान महावीर ने जैसे ही पग बढ़ाए तो उनके हर पग पर स्वतः कमल का फूल खिलता गया। तो मैं यहां भगवान महावीर के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करता हूं एक बार पुनः अपने चरणों की धूल से भारत में कमल को सदा सर्वदा खिलते रहने का आशीर्वाद। अब क्षमा कीजिएगा, इसको पार्टी के साथ मत जोड़िए। डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि भगवान महावीर स्वामी स्वयं कमल के ऊपर ही विराजमान हैं। आज इस कार्यक्रम में आकर सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। जब भी मैं जैन समाज के कार्यक्रम में मैं जाता हूं तो जिस अनुकूल संवेदना जिस प्रकार की मुझे होती है उसकी मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। और सामान्यतः जब जैन समाज के कार्यक्रम होती हैं और हमारी व्यस्तता नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से उन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपनी कहीं भरपूर कोशिश करता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि आज मैं पुनः इतने मुनिवर जब यहां पर उपस्थित हों उनके समक्ष आकर आप भक्तों का भी दर्शन कर, उनका तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, लेकिन जो उनके भक्त बैठे हैं उनका भी दर्शन प्राप्त करके मुझे पुण्य लाभ हुआ है, यह बात मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबके स्त्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त कर